بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جي وائس كلير ہے اور سکرین ویزیبل ہے ٹھیک ہے نا ابھی جی ٹھیک ठीक है शुरू करते हैं हम लोग फेल का यार अब ये रिवीजन करना बाकी रह गया है और इसके बाद हम लोग फिर जो है स्टार्ट करेंगे आपका तो सर ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह फेल का एराब ठीक है फेल का एराब इतने दिन से हम लोग क्या कर रहे थे किसका एराब कर रहे थे इसम का एराब ठीक है अभी करेंगे फेल का एराब उसके बाद पहले क्या बताया कि हिस्सा दोम में यानी कि दूसरे जिल्द में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं सबक नंबर 10 में ये गुजर चुका है ठीक है कि अरबी में फेल की तीन सूरतें होती हैं फेल की तीन है फेल का कितने टाइप्स होता है तीन टाइप्स का फेल होता है तीन तरह का फेल पाया जाता है तीन कैटेगरीज मादी मुबारे और अम्र पता ना ज़हबा यज़हबु इज़हब क़तला यक्तुलु उक्तुल उक्तुल हो गया फेल अम्र तो मादी और अम्र फेल मादी और फेल अम्र ये दो फेल में कोई तब्दीली नहीं होती यानी कि ये फेल क्या होता है इसलिए कि ये वजह के इसलिए कि ये मबनी है मबनी होता है फेल मादी फेल अम्र क्या होता है मबनी फिक्स्ड होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता कुछ भी उसके पहले आ जाए तो अगर कोई चेंज करने वाला हर्फ उसके पहले आ रहा है तो उसको चेंज नहीं कर सकता उसका फॉर्म फिक्स्ड है खरजा अगर है तो हमेशा खरजा ही रहेगा हाँ गर्दान उसका चेंज हो सकता है फाइल के हिसाब से लेकिन वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो फेल जो है वो चीज उसकी हालत नहीं होती ठीक है वो चेंज नहीं होगा वैसे दिखेगा लेकिन मुदारे जो है मुदारे क्या होता है मुदारे मुअरब होता है मुअरब से माने क्या होता है मुदारे मुअरब होता है मुअरब को कैसे डिफाइन करेंगे कि मुअरब क्या है मुअरब की तारीफ क्या है जिसकी हालत होती है हाँ जिसकी तीन हालत होती है और वो हालत में हम बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं कि ये कौन ये इसम किस हालत में है और इसकी क्या है इसकी ये सिर्फ कौन से हालत में है और क्यों ठीक है ये हम बता सकते हैं यानी कि जब कोई इसे मुअरब होता है तो हम बता सकते हैं मुअरब है कि अच्छा ये मरफू होता है मंसूब होता है मजरूर होता है यही नहीं बल्कि क्या मरफू की कोई निशानी है मंसूब की कुछ निशानी होती है अलामत होती है यानी कि मरफू की मंसूब की मजजूम की कोई अलामत होती है ठीक है ना अलामत के से ही वो पहचाना जाता अच्छा ये अलामत है अलामत कभी कभी पोशीदा भी हो सकती है हिडन इसको तो कहते हैं क्या क्या उसका एराब क्या होता है कोई ऐसे मगर या फेल अगर तकदीर एराब बहुत अच्छा बारगुल्ला तकदीर या मुकद्दर होता है उसका एराब ठीक है मुकद्दरा दम्मा मुकद्दरा या जो भी ठीक है तो फेल मुदारे मुअरब होता है इसलिए ठीक है जुमले में इसकी है हैसियतों जुमले में इसकी हैसियतों के लिहाज से जुमले में इसका रोल के लिहाज से हैसियत के हिसाब से क्या होता है इसके आखिर में तब्दीली होती है हाँ लेकिन अम्र और मादी में कोई तब्दीली उसके आखिर में नहीं होती वो गर्दान चेंज होता है फेल नहीं चेंज होता ठीक है जिस तरह इसम की तीन हालतें होती हैं तीन ठीक है उसी तरह मुदारे की भी क्या तीन हालतें होती हैं ठीक है कौन कौन सी तीन हालतें हैं मरफू मंसूब ठीक है और मजजूम मरफू मंसूब और क्या है मजजूम ठीक है तो इसम में जैसा तीन हालत है
इसम का जैसा तीन हालत पाया जाता है वैसे फेल का भी तीन हालत पाया जाता है। क्या फर्क है दोनों में, इसम और फेल में? हालत के एतबार से इसम का भी तीन हालत और मुदारे फेल मुदारे का भी तीन हालत, तो क्या डिफरेंट है जो इसम और फेल मुदारे में है, जो इसम में है मुदारे में नहीं, मुदारे में है इसम में नहीं है? इसम मजरूर होता है और फेल मज़ूम होता है। हाँ बहुत अच्छा, बारकल्लाह। ये पहचान है, फेल कभी भी मज़ूम नहीं हो सकता, इसम फेल कभी भी मजरूर नहीं हो सकता और इसम कभी भी मज़ूम नहीं हो सकता। यानी कि मजरूर जो है वो अलामत है किस चीज़ की, कोई कोई चीज़ अगर मजरूर हो जाता है तो अलामत क्या भाई ये इसम है, लेकिन कोई चीज़ अगर मज़ूम सुकून आ जाता है उसके आखिर में कुछ तब्दीली की वजह से तो ये क्या वाजे हो जाता है कि ये तो फेल है, फेल मुदारे है। तो फेल मुदारे की अलामत क्या है, वो मज़ूम हो सकता है, इसम की अलामत क्या है, वो मजरूर हो सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, सबक नंबर 18 या 21 में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिल नंबर 2 में ये बताया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अच्छा, जब मुदारे के साथ, अब एक एक करके आ रहा है, ठीक है ना, अब डिस्कशन शुरू हुआ है यहाँ से। यहाँ से डिस्कशन अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब जब मुदारे के साथ जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब, ठीक है, ये पढ़ने से पहले जो है तवज्जो दिलाते हैं आपको, दो फेल इस्तेमाल हुआ, आपको फोकस करना है यहाँ पे, दो एग्जांपल दी गई है। ठीक है, दो एग्जांपल है, ठीक है, यक्तुबना और तक्तुबना, यक्तुबना और तक्तुबना, ये पूछा जाएगा, यक्तुबना तक्तुबना ये गर्दान है, ठीक है, कि कौन से क्या गर्दान है, किसका गर्दान है, कौन सा दमीर है इसमें, यह कौन से दमीर के लिए आया ये गर्दान, यक्तुबना तक्तुबना किसका है ये, यक्तुबना तक्तुबना, हुन्ना और अंतुन्ना। बहुत अच्छा, हुन्ना, ठीक है, और अंतुन्ना, ठीक है, हुन्ना और अंतुन्ना याद रखना, हुन्ना अंतुन्ना का गर्दान है ये। खरजा, अच्छा ये यक्तुबना जो है ये कहाँ से है, मादी, इसका एक्चुअल मादी मुदारे क्या है, बेस फॉर्म क्या है, एक्चुअल क्या था ये, कतबा यक्तुबु। बहुत अच्छा, कतबा यक्तुबु, ठीक है, कौन सा, क्या बाब है कतबा यक्तुबु का, कतबा यक्तुबु कौन से बाब में क्या, समझ में आ ही रहा है, मुदारे में क्या है, मुदारे में क्या आ गया, दम्मा, मुदारे में आ गया दम्मा, कौन कौन क्या नाम से मशहूर है ये बाब, कतबा यक्तुबु, नसर यंसुरु। हाँ बहुत अच्छा, बारक अल्लाह, नसर कतबा यक्तुबु बोलना काफी है, लेकिन बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए पूछ रहे हैं आपसे, नसर यंसुरु ये मशहूर है ज्यादा, माने कि मादी में दम्मा, मादी में फतहा, मुदारे में दम्मा, कतबा यक्तुबु, ठीक है, यक्तुबु, और ये जो गर्दान हम लोग किए थे उसका आसान तरीका हम लोग इस तरीके से किए थे, आपको याद होगा जो हम लोग किए थे वो क्या क्या शक्ल था, ये पांच आसान सबसे पहले किए थे हम लोग, है ना, पांच आसान फेल, यक्तुबु, ठीक है, और क्या किए थे हम लोग, तक्तुबु, तक्तुबु दो मरतबा, यक्तुबु तक्तुबु तक्तुबु दो मरतबा किए थे ना, ठीक है, और क्या किए थे, अक्तुबु और क्या, नक्तुबु, ये पांच आसान जो हम लोग मुदारे सीखे थे फर्स्ट टाइम, तो इस तरतीब से सीखे थे, इस तरीके इस तर्ज पर सीखे थे, ठीक है, यक्तुबु तक्तुबु तक्तुबु अक्तुबु नक्तुबु, यखरुजु तखरुजु तखरुजु अखरुजु नखरुजु, दूसरा बाबा करो तो यजलिसु तजलिसु तजलिसु अजलिसु नजलिसु, यज़हबु तज़हबु तज़हबु अज़हबु नज़हबु, ठीक है, ये हो गया बाब नसरा यक्तुबु, ये हमारा तरीका था सीखने का, पांच पांच आसान, ठीक है, एक्चुअली में चार ही है, यक्तुबु तक्तुबु तो एक ही सेम है ना ये दोनों, तो एक हुआ, एक दो तीन चार, अक्तुबु नक्तुबु, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे कि हाँ उसके बाद जो सीखे थे हम लोग वो आपका क्या है, यही है,
क्या कि तने आज लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद, बहुत ज्यादा पेजेस खुला हुआ है शायद इसलिए। उसके बाद क्या किए थे हम लोग, हुन्ना और अंतुन्ना, ठीक है, हुन्ना और अंतुन्ना, यक तुबु, ये ऐसे था। हुन्ना अंतुन्ना में क्या होता है, जो जो नून है, द नून विच रिप्रेजेंट्स द विमेन, यानी कि वो नून जो औरतों के लिए है, औरतों वाला नून, औरत का भीड़, वो नून जिससे मुराद क्या बहुत सारी औरतें, वो अटैच हो जाता है, ठीक है, ये नून अटैच हो गया, नून ये अटैच हुआ। और जैसे ये अटैच होता है फिल मुदारे में क्या हो जाता है, मादी में भी इस तरह का होता है ना, ठीक है, जैसे अटैच होता है ये क्या हो जाता है फिर, दम्मा जज़्म हो जाता है, ठीक है, सुकून ले लिया। अब क्या पढ़ा जा रहा है, यक्तुबना, और यक्तुबना में किसका माने है, हुन्ना का मीनिंग होगा, ठीक है ना, हुन्ना का मीनिंग है किसमें, यक्तुबना में किसका मीनिंग है, हुन्ना का, ठीक है। उसके बाद अगर अंतुन्ना कैसे बनेगा, बस कुछ नहीं करना है, या के बदले में क्या करना आपको, ता ले आना, बाकी सब क्या है, सेम है, बाकी सब क्या है, सेम है, ठीक है। अगर आप ये तो समझ गए ना आप इसको, तो यक्तुबना देख रहे हैं, ये यक्तुब ओरिजिनली में क्या था, ही था ना, ही राइट्स वो लिखता है, ही था ना, यक्तुब एक्चुअली में क्या था, ही था, उसमें नून लगा दिए तो ये क्या हो गया, सब हो गया, शी हो गया, ठीक है, यक्तुब, ठीक है, ये थोड़ा सा या है, क्या देखते हैं, ता नहीं है, ता लगाने से वो हो जाएगा फिर वो पूरा अलग ही, ठीक है। तो ही बेस फॉर्म में आप यक्तुबना, यक्तुब में यक्तुबना इतना लगा दिए, ठीक है, और उसमें क्या था, बस या को बदल देना आपको ता से, तो निकल जाएगा कि आपका अंतुन्ना, अंतुन्ना, ठीक है, अंतुन्ना या था यक्तुबना, ऐसे समझिए, और एडवांस मतलब जो समझाना चाह रहे थे मेरे ख्याल से मुश्किल हो जा रहा है, ऐसे ठीक है, यक्तुबना, और अगर ता लगा दे इसको या के बदली में तो क्या हो जाएगा, ये तक्तुबना, यानी कि अंतुन्ना का मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, ता लगा देने से क्या हो जाएगा, अंतुन्ना का मीनिंग, ठीक है, तक्तुबना, तक्तुबना, इसमें इसमें नून से मुराद क्या है, हेलो हम पढ़ा रहे हैं अभी, बाद में बात करें, ठीक है, इंशाल्लाह हम पढ़ा रहे हैं अभी, बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक ठीक ये आवाज सही है क्या, बीच में कॉल आ गया था, एक मिनट, अच्छा ये तो ये क्या हो गया, अंतुन्ना, ठीक है, ये अंतुन्ना हो गया, ये हुन्ना था, ये अंतुन्ना हो गया, ठीक है, यक्तुबना हो गया हुन्ना, और तक्तुबना हो गया अंतुन्ना, यक्तुबना हुन्ना यानी कि वो सब औरतें, तक्तुबना यानी कि तुम सब औरतें, ठीक है, ये क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एराब बताया गया फेल का, सबसे पहले इसको बताया गया, यक्तुबना और तक्तुबना को, ठीक है, यक्तुबना तक्तुबना, यक्तुबना तक्तुबना के बारे में क्या कह सकते हैं हम, ये यक्तुबना जो है ये क्या है, जमा मुअन्नस गायब, ठीक है, जमा है, समझ में आ गई, यक्तुबना है जमा है, क्योंकि नून से मुराद क्या होता है, बहुत सारी औरत, ठीक है, और ये मुअन्नस, नून से मुराद मुअन्नस भी है, नून से मुराद जमा हो गया, नून से मुराद मुअन्नस भी है, और गायब ये थर्ड पर्सन है ना, या बता रहा है कि ये, या से समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पर्सन, तो जमा मुअन्नस गायब, और तक्तुबना में आइए, तक्तुबना में क्या है, ये भी जमा है मुअन्नस है और मुखातब है, ये जमा मुअन्नस क्या है, मुखातब है, ता से समझ में आ रहा है, ता से क्या समझ में आ रहा है कि ये मुखातब है, जमा मुअन्नस मुखातब, ठीक है, तो ठीक है समझ में आया, जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस मुखातब, तक्तुबना,
अच्छा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब मुदारे के साथ जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस मुखातब पर दलालत करने वाले वाले दमीर, यानी कि कौन सा दमीर, नून निस्वा उर्दू में नून निस्वा जब आ जाए, ऐसा दमीर आ जाए, ठीक है ना, जो किस पर दलालत करता है, ये जमा मुअन्नस गायब जमा मुअन्नस मुखातब पर, यानी कि नून निस्वा आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, तो वो मबनी होता है, वो फेल क्या होता है फिर, वो फेल मबनी होता है, ये बताना है, ठीक है, मबनी होगा वो फेल, ठीक है, इसके आखिर में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी कि जो नूनो निस्वा है, यकतुबना तकतुबना वाला जो फेल है, यानी यखरुजना तखरुजना यजलिसना तजलिसना यधबना तधबना, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, इसके पहले कुछ भी अन लगा दे लम लगा दे ऐसे ही रहेगा, फेल मुदारे के पहले अन लगने से क्या हो जाता है, फेल मुदारे मनसूब हो जाता है, ठीक है, फेल मुदारे के पहले अगर अन लगा दे लम लगा दे या अन लगा दे, ठीक है, ठीक है, अन लगाए या लम लगाए वो कुछ नहीं होगा, अन लगाने से मंसूब होता है, लम लगाने से मज़ूम होता है, लेकिन इसमें कुछ असर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, मबनी है, ये क्या है, मबनी है, ये अब तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है जी, क्लियर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब पांच आसान, जो भी पता है आपको, पांच आसान फॉर्म है, यक्तुबू तक्तुबू तक्तुबू अक्तुबू नक्तुबू, या चार एक्चुअली में, ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है, दीगर, ठीक है, क्या बताया गया, दीगर चार दमीर मरफू होने की सूरत में, मतलब ये जो ये सब लिखा हुआ है, कंफ्यूजन हो, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, क्या एग्जांपल, वही वही चार, वही पांच आसान, जो चार है ये, पहले यक्तुबू तक्तुबू अक्तुबू नक्तुबू, यानी कि जो चार आसान या पांच आसान जो है, तक्तुबू दो बार है, एक तक्तुबू किसके लिए होता है, तक्तुबू दो बार क्यों है, हमारे क्या माने होगा, तक्तुबू का, तक्तुबू का मीनिंग क्या होगा, कौन से जमीर के लिए है तक्तुबू, तक्तुबू कौन से जमीर के लिए होगा, गर्दान है इसका ही, कौन लिख रहा है इसमें, अंता के लिए, हाँ अंता के लिए, और किसके लिए है, अरहिया के लिए, हाँ हिया के लिए, बहुत अच्छा, हिया के लिए है और अंता के लिए तक्तुबू, ठीक है, तो रिपीट होता है उसके लिए, कॉन्टेक्स्ट सियाक से समझ में आ जाएगा कि ये हिया माने है या अंता माने, ठीक है, तो ये तो अब क्या बताया जा रहा है कि ऊपर तो मबनी कैटेगरी देख ली, वो तब कोई तब्दीली उसमें नहीं होती, अब पांच आसान जो हम लोग सीख करके आए हैं, या इसको कहते हैं अरबी में अफ़ालुल अरबा, अल अफ़ालुल अरबा माने चार फेल, जो एक्चुअली पांच है लेकिन एक बार रिपीट, दो 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 एक फेल रिपीट है दो मरतबा, इसलिए चार कहते हैं, तो ये जो फेल है ना इसमें अलामत क्या है, मरफू की, तो इसमें बताया जा रहा है इसमें मरफू की अलामत वही ओरिजिनल, पांच आसान जो है जो चार फेल, मरफू की अलामत क्या होती है, दम्मा, ठीक है, मरफू की अलामत क्या है, दम्मा, ठीक है, तो ये मरफू की मिसालें दी गई है, नक्तुबू इधर से लेफ्ट से, यक्तुबू तक्तुबू अक्तुबू नक्तुबू, ठीक है, और अगर ये मनसूब हो जाए, ये फेल अगर मनसूब हो जाए, कैसे मनसूब हो रहा है, एग्जाम्पल लन लगा, लन से क्या होता है, मनसूब हो जाता है, तो लन लगने के से मंसूब, यक्तुबू से क्या हो जा रहा है, यक्तुबा, लन यक्तुबा, लन तक्तुबा, लन अक्तुबा, लन नक्तुबा, लन नक्तुबा, लन नक्तुबा का मीनिंग क्या होगा, माने क्या होगा, लन नक्तुबा क्या माने करिएगा इसका, लन नक्तुबा, लन का मीनिंग क्या होता है वो पता करना होगा, बताइए, लन नक्तुबा क्या मीनिंग है, लन का, लन नक्तुबा, फ़इल्लम तफ़अलु वलन तफ़अलु, बकरा सूरह बकरा की आयत है, लन नक्तुबा,
नफी के लिए है लन। हाँ नफी के लिए, नफी इन द फ्यूचर, ठीक है मुस्तकबिल में। लन नक्तुबा तो मीनिंग क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, मीनिंग हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, we will not write, ठीक है। लन नक्तुबा जैसे कुरान में वलन तफअलू, ठीक है, फ़इन लम तफअलू वलन तफअलू, और तुम हरगिज नहीं कर सकते, ठीक है, हरगिज तुम नहीं कर सकते, लन नक्तुबा। तो ये जो पांच आसान वाला ग्रुप है, यानी कि अफ़ाले अरबा, यानी कि ये जो फेल है इस तरह का जो ग्रुप है, वो मरफू होता है ओरिजिनल अलामत के साथ दम्मा, मनसूब होता है ओरिजिनल अलामत यानी कि फतह के साथ में, ठीक है। ये बताया गया है कि ये जो फेल है, दीगर चार दमीर यानी कि ये जो चार तरह का फेल है, वो मरफू में क्या होता है, मरफू की सूरत में वो मदमूम होता है, मदमूम यानी कि आखिर में क्या होगा, दम्मा होगा, मदमूम यानी कि फेल विच एंड्स विद दम्मा, आखिर में दम्मा। मनसूब होने की सूरत में क्या होगा, वो फेल मफतू होगा यानी कि फथा लेगा, दम्मा लेगा फथा लेगा, ठीक। और फेल मजरूर तो नहीं होता, क्या होता है, मजजूम होता है, और मजजूम में ये क्या होगा, मजजूम की सूरत में वो क्या होगा, साकिन होगा वो फेल, यानी कि फेल का एंडिंग में क्या होगा, सुकून पाया जाएगा, एंड में क्या होगा, सुकून होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे नोट्स में भी दे दिया गया क्या है, जो भी हम लोग कर रहे थे, ये मरफू और मनसूब जो कॉमन है, मुश्तरका है, ठीक है ना, ये कॉमन है इसम और फेल में, ठीक है, इसम और फेल मुदारे के बीच है, लेकिन मजजूम जो है वो खास किसके लिए, फेल के साथ खास है मजजूम, ठीक है, और मजरूर खास है फेल इसम के साथ। खैर, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो पांच आसान वाला फेल, तो पांच आसान वाला फेल क्या होता है, वो मरफू होता है दम्मा के साथ, मनसूब होता है फतह के साथ नॉर्मल, और मजजूम होता है सुकून के साथ। तो देखिए यकतुबू था, लम लगा दी, लम मजजूम करता है, लम यलिद वलम यूलद सुकून, लम यलिद वलम यूलद दाल पर क्या सुकून है ना, लम यलिद वलम यूलद सुकून। तो लम यकतुब, लम तकतुब, लम अकतुब, लम नकतुब, लम लगने से, तो पता क्या चल, इस तरह का जो फेल है पांच आसान, जिसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं, वैसा फेल, यकरुजू तकरुजू अकरुजू नकरुजू यजलिसु तजलिसु अजलिसु नजलिसु, ऐसा फेल जो होता है, ये मरफू होता है दम्मा के साथ, मरफू की अलामत दम्मा है, मनसूब की अलामत फतह है, मजरूर मजजूम की अलामत क्या है, सुकून है। अच्छा मीनिंग क्या होगा इसका, लम यकतुब का मीनिंग क्या होगा, लम क्या मीनिंग देता है, ये भी नफी करता है ना, लेकिन मीनिंग क्या बनेगा इसका, मीनिंग क्या होगा इसका, मादूम मीनिंग बनेगा, क्या कर रहा है, तर्जुमा बताइए इसका, उसने नहीं लिखा। हाँ बहुत अच्छा, उसने नहीं, मादी में कैसे कहेंगे इसको, उसने नहीं लिखा, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे मादी में, लम यक्तुब, फेल मादी इस्तेमाल करना है, क्या मा यूज करेंगे, मा यूज करेंगे, और यक्तुब हुआ का है, तो हुआ का गर्दान क्या है, मा, मादी का गर्दान क्या हुआ का, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म क्या है, यक्तुबु किससे निकला है, कताबा, कताबा से, तो मा कताबा, मा कताबा क्या हो गया, उसने नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट। लम तक्तुब अगर अंता के लिए कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मा कतबता, अगर अंती के लिए कह रहे तो मा कतबत, शी डिड नॉट राइट, अगर अंती मुराद से तो मा कतबत, ठीक है। लम नक्तुब इसको मादी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मा कतबना, मा कतबना, वी डिड नॉट राइट, लम नक्तुब। तो लम जो है क्या करता है, नफी करता है, और फेल मुदारे के माने को क्या करता है, तब्दील कर देता मादी में। तो लिखा तो ये तो मुदारे का तो सीगा है, नक्तुबु अक्तुबु ये तो मुदारे का सीगा है, लेकिन इसका मीनिंग मादी में चला जाता है, किस में चला जाता है, ये मादी में चला जाता है, ये मीनिंग इसका मादी में चला जाता है। अब ये मीनिंग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस नहीं रहता, मुदारे पता है ना, मुदारे में प्रेजेंट और फ्यूचर का माने होता है, यानी कि हाल और मुस्तकबिल का माने मुदारे में होता है,
लेकिन लम लगने से फेल का मीनिंग चला गया किसमें, ये फ्यूचर, ये मीनिंग हो गया पास्ट में कि उसने लम नक्तुब, हमने नहीं लिखा, वी डिड नॉट राइट, ठीक है। और मा कतबना ये उसको मादी, डायरेक्ट मादी में भी कह सकते, सीधा सीधी मादी में कतब ना होता हमने लिखा और नफी करना है तो माँ करना, माँ हो जाएगा माँ कतबना, पता ना मादी में नफी करना होता तो माँ यूज करते हैं, मादी में नफी करना होता तो माँ यूज करते हैं, और मुदारे में नफी करना होता तो ला यूज करते हैं, ठीक है ला यूज करते हैं। लेकिन ये लम क्या कर रहा है, मुदारे के पहले लम आ गया तो नफी हो रहा है, साथ साथ मादी में नफी हो रहा है, पास्ट में नफी हो रहा है। लम 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 यखरुज, वो नहीं निकला, लम यखरुज, लम यजलिस, वो नहीं बैठा, यानी कि मा जलसा, ठीक है मा जलसा भी लिख सकते हैं, लम यजलिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मीनिंग चला जा रहा है किसमें, मादी में लम आने के, लम आने के वजह से, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में भी इस तरह का चीज होता है, ऐसा सिमिलर चीज, उसको याद करने दीजिए क्या था ये, लम जैसा चीज इंग्लिश में भी है ऐसा, ठीक है। जैसा कि इसी जैसा मिलता जुलता चीज है इंग्लिश में भी, यही डिड नॉट राइट शायद इंग्लिश में भी ऐसे होगा, उसको राइट ही यूज करते हैं, वो चीज है कि उसने नहीं लिखा, तो इंग्लिश में देखिए ये प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश में भी, कहना है कि ही उसने नहीं लिखा तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट रोट नहीं कहते इंग्लिश में, राइट कहते हैं ना, ही डिड नॉट राइट ऐसे कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, उस वो नहीं बैठा तो क्या कहते हैं, ही डिड नॉट सैट या सिट, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, ही डिड नॉट, ऐसे बहुत कुछ सेट कहते हैं लेकिन एक्चुअली इंग्लिश, हाँ ये होगा सिट होगा, तो he didn't sit गलत हो जाएगा इंग्लिश के हिसाब से। तो ये देखिए ये मुदारे का सीगा है, माने प्रेजेंट टेंस है लेकिन इसके साथ क्या यूज हो रहा है, डिड नॉट, तो ये भी लम के, लम का असर यहाँ पे भी हो रहा है, he didn't go, वो तो पास्ट है ना, और डिड नॉट हो रहा है मीनिंग, ठीक है। इस तरह का चीज शायद यही चीज है जैसे हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में भी इस तरह का चीज ऐसे होता है कि वो मादी नहीं लिख रहे, प्रेजेंट टेंस लिख रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस का सीगा है लेकिन वो काम नफी हो रहा है पास्ट में, हो रहा है ना, सही है ना। इंग्लिश में भी इस तरह का चीज होता है, डिड नॉट वो लम का मीनिंग दे रहा है लेकिन ये पास्ट टेंस नहीं यूज कर रहे, प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, पास्ट यूज करना गलत हो जाएगा ग्रामर के एतबार से, ठीक है। तो इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट सिमिलर या एक ही चीज है ऐसा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या पता चला उसके बाद कि ये तीनों यानी कि दम्मा फतह और सुकून ये असली अलामतें हैं, दम्मा फतह सुकून क्या है, असली अलामतें हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं ये जो पांच आसान वाला फेल है ना, यक्तुबू तक्तुबू तक्तुबू अक्तुबू नक्तुबू, इसमें ये मौरब है और इसकी अलामतें क्या है, असली है, इसकी अलामतें क्या है, असली है, ये पांच आसान वाला फेल हुआ या अंता अना नहनु, हुआ या अंता अना नहनु, यखरुजु तखरुजु तखरुजु अखरुजु नखरुजु, ठीक है। ये मंसूब होगा तो क्या हो जाएगा, यखरुजा तखरुजा तखरुजा अखरुजा नखरुजा, ये मज़ज़ूम होगा तो क्या हो जाएगा, यखरुज तखरुज तखरुज अखरुज नखरुज, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ अलामतें होती हैं, जैसे इसम में पता है ना मरफू की अलामत सिर्फ दम्मा तो नहीं, मरफू की अलामत अलिफ भी है वाव भी है, तो वैसे ही फेल में भी कुछ तानवी अलामतें होती हैं, इसको कहते हैं फरई अलामत, सेकेंडरी अलामतें भी हैं जो मुंदरजा जेल सूरतों में इस्तेमाल होती है, जो नीचे वो कहाँ का कौन से फेल में इस्तेमाल होती है, सेकेंडरी फरई अलामत, यानी कि मरफू की और भी कुछ अलामतें हैं, सेकेंडरी अलामत असली अलामत तो दम्मा है, तो हाँ है फरई अलामतें हैं, तो वो नीचे आ रहा है फेल में क्या क्या फरई अलामत। जी आवाज सही है ना, फेल में क्या क्या फरी अलामत होती है, आवाज सही है जी, आवाज सही है, ठीक है ठीक।
तो फेल में क्या क्या फरी अलामतें होती हैं, ये अब डिस्कशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो फेल की इन 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 क्या कितने सीगे हैं, पांच। इन पांच सीगों में, ठीक है, जिन्हें अफाले खमसा कहते हैं, हाँ, फेल के इन पांच सीगों में, फेल के इन पांच सीगों में इसको अफाले खमसा कहते हैं। हम लोग क्या याद करते हैं इसको, नून ग्रुप, नून ग्रुप के नाम से हम लोग इसको पहचानते हैं, नून ग्रुप वाला फेल, नून ग्रुप वाला फेल। ये वो नून हुन्ना अंतुन्ना वाला नून नहीं, उसको छोड़ करके, ठीक है। उसके अलावा जो आनी ऊना वाला जो ग्रुप है, वो वाला फेल जो खत्म होता है नून पर, उसको अफाले खमसा कहते हैं, ठीक है। यखरुजानी तखरुजानी यखरुजूना तखरुजूना तखरुजीना, ये जो फेल है, ठीक, अफाले खमसा कहते हैं। इसमें तीन मरतबा एक सीगा रिपीट होता है, ठीक है। तो टोटल आपका क्या है, सात है एक्चुअली में कितना है, सात। गर्दान कितना होता है, कितना गर्दान होता है, 12 ना 14। गर्दान कितना हो, टोटल 12 होता है, 14 कितना होता है, 14 होता है, 14 गर्दान, जिसमें से पांच आसान एक ग्रुप है ना, और दो मबनी ग्रुप है, ठीक है, और बचा कितना तब, सात। दो मबनी ग्रुप को अलग आउट कर दीजिए। अब पांच आसान एक्चुअली में एक बार रिपीट, एक बार रिपीट होता है, तो पांच के बदले में एक्चुअली में कितना हो गया, ये चार हो गया, ठीक। अब जो सात बचा है ना, सात में से एक जो है वो तीन मरतबा रिपीट होता है, तो उसको -2 कर दीजिए, तो क्या हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो इसको अफाले खमसा कहते हैं, पांच आसान को, और नून ग्रुप को क्या कहते हैं, अफाले खमसा कहते हैं, अफाले खमसा कहते हैं, ठीक है। अफालुल खमसा ये कहते हैं, ठीक है। तो ये फेल का जो अब अफाले खमसा जो है, अफाले खमसा में क्या होता है, मरफू होने की सूरत में नून बाकी रहेगा, यानी कि नून अगर है तो फेल क्या है, मरफू है। तो मरफू की मिसाल जैसे क्या है, लेफ्ट से देखिए, यक्तुबानी, यक्तुबू था, हुमा का क्या होगा, यक्तुबू यक्तुबानी, वो दोनों लिख रहे हैं, यसजुदानी, वो दोनों सजदा कर रहे हैं, ठीक है। व शम्स वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु व शजरु यसजुदानी, वन नजमु व शजरु यसजुदानी, सितारे वन नजमु व शजरु क्या है, सितारा और सितारे और पेड़ क्या कर रहे हैं, सजदा करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। यक्तुबानी यसजुदानी, तो यक्तुबानी ये जो नून ग्रुप वाला फेल है, यक्तुबानी यक्तुबूना, यक्तुबूना मतलब क्या हो गया, वो सब लिख रहे हैं, दे ऑल आर राइटिंग, यक्तुबूना वो सब लिख रहे हैं, यक्तुबूना वो सब लिख रहे हैं, अच्छा। तक्तुबानी, अच्छा यक्तुबूना में कौन वो सब लिख रहे हैं, और तक्तुबूना में कौन लिख रहे हैं, वो सब मर्द लिख रहे हैं यक्तुबूना में, और तक्तुबूना में कौन लिख रहा है, कौन, क्या तर्जमा होगा इसका, तक्तुबूना वो सब, वो सब या तुम सब, क्या तर्जमा होगा इसका, तुम सब होगा, तुम सब होगा, वल्लाहु बिमा तअमलूना, बिमा तअमलूना, तुम जो करते हो अल्लाह देखता है, खबीर है, जानता है, यअमलूना वो जो कर रहे हैं, बीमा यअमलूना वो जो कर रहे हैं, बीमा तअमलूना तुम जो करते हो, अल्लाह खबीर है, अल्लाह बसीर है, देखता है, जानता है। तो तक्तुबूना तुम लिख रहे हो, तक्तुबूना तुम, तो यक्तुबूना में तुम सब, वो सब मर्द लिख रहे हैं, और तक्तुबूना में तुम सब मर्द लिख रहे हो, यू ऑल आर राइटिंग, इसमें तर्जुमा क्या होगा, यू ऑल, इसमें तर्जुमा क्या हो रहा है, दे ऑल, अच्छा ठीक है। तो तक्तुबीना इसमें क्या तर्जमा हो रहा है, कौन लिख रहा है, तक्तुबीना कौन लिख रहा है इसमें, इसमें अंति, अंति बहुत अच्छा, यू तुम लिख रहे हो, अंति तुम, यू फीमेल तुम लिख रही हो, यू आर राइटिंग, यानी कि फीमेल से बात किया जा रहा है, ठीक है। अब आखिर में क्या है, बीच में आता है तक्तुबानी, तक्तुबानी जो है ना ये तीन मरतबा आता है, सिर्फ इसको एक समझा गया, टोटल कितना हो गया, 3 4 5 अफाले खमसा। तक्तुबानी का मतलब क्या होता है, वो दोनों
पहले सबसे पहले तत्तुबानी का मतलब क्या होता है, वो दोनों लड़कियां लिख रही हैं, तो तत्तुबानी में क्या आ गया, हुमा, हुमा में वो दोनों लड़कियां हो गई, वो दोनों औरतें लिख रही है, और हुमा में क्या आएगा, अंतुमा, यानी कि तुम दोनों औरतें लिख रही हो, यानी इसमें मर्द भी और दोनों दोनों है, हुमा में हुमा यानी कि फीमेल के लिए, अंतुमा यानी कि दोनों अंतुमा है, तुम दोनों मर्द लिख रहे हो और तुम दोनों औरतें लिख रही हो, दोनों के लिए क्या है, अंतुमा है, अंतुमा दो बार है दिखाई दे रहा है ना, अंतुमा दो बार है, तो हुमा अंतुमा अंतुमा दो बार है, हुमा अंतुमा अंतुमा, ठीक है, इसलिए रिपीट है तीन मरतबा। तक्तुबानी, तक्तुबानी का मतलब दोनों तीनों हो सकता है, या तो वो दोनों लिख रही है, या तो तुम दोनों लिख रहे हो, तुम दोनों मर्द, या तुम दोनों औरतें लिख रही हो, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाएगा, सियाको सबक से कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और तुम वो दोनों मर्द लिख रहे हैं उसके लिए क्या है, हुमा तो दोनों के लिए आता है ना, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी, तो वो दोनों मर्द लिख रहे हैं क्या आएगा, यक्तुबानी। हाँ, पहला वाला तो यक्तुबानी, मर्द मेल के लिए है यक्तुबानी, और फीमेल के लिए है, तो ये तो फर्क समझ में आ जाएगा आसानी से, यक्तुबानी तक्तुबानी, अगर वो दोनों मर्द हो लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यक्तुबानी, और तुम दो वो दोनों औरतें लिख रही तो तक्तुबानी, इजीली समझ में आएगा। अब बचा क्या, अंतुमा, अंतुमा दोनों के लिए क्या है, तक्तुबानी, अंतुमा क्या सेम है ना, मर्द औरत दोनों के लिए क्या होगा, तक्तुबानी, तक्तुबानी, कैसे समझ में आएगा, ये भी इजी है, ये तो मेरे सामने होगी ना, जिससे हम बात करें तो सामने होगी, तो इजीली समझ में आ जाएगा, अच्छा ये नहीं किसी का है, तो अंतुमा, अंतुमा में तो इजी है, वो जिससे हम बात करें वो तो मेरे सामने है, तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा समझने में नहीं, तक्तुबानी बोलने से समझ में आ जाएगा, तुम दोनों लिख रही हो, तुम दोनों लिख रहे हो, समझ में आ रहा है ना, ये भी इजी है, सेम है, लेकिन पकड़ना क्या है, इजी है, मुश्किल नहीं है। तो खैर ये आनी ऊना ईना ग्रुप, आनी ऊना ईना, आनी ऊना फिर आनी फिर ऊना फिर ईना, ये जो नून ग्रुप वाला फेल है इसको अफाले खमसा कहते हैं, और इस तरह के ग्रुप में जो फेल है इसमें नून अगर है, ये आखिर का जो नून अगर है, अगर नून बाकी है, नून बाकी है, ठीक है, नून बाकी है, तो इसका मतलब ये फेल क्या है, नून बाकी है, फेल क्या है, फिर ये फेल कौन से हालत में कहलाएगा, फिर फेल का हालत क्या होगा, नून अगर बाकी है तो, जी मरफू, मरफू है, इसको अरबी में क्या कहते हैं, नून का साबित होना, ठीक है, तो कहते हैं क्या, सुबूतुन नून, ठीक है, सुबूतुन नून, नून का सुबूतुन नूनी, ठीक है, सुबूतुन नून, प्रेजेंस ऑफ नून, प्रेजेंट, नून का प्रेजेंट होना, नून का साबित होना, सुबूतुन नून, ठीक है, और अगर नून ना हो तो हज़्फुन नून कहलाएगा, ये सुबूतुन नून, ठीक है, नून का होना, तो नून अगर है तो मरफू है, अच्छा नून, अब क्या होगा, लन लग गया, अब लन लगने से फेल क्या हो जाएगा मंसूर, वो फेल मुदारे जो है वो अफाले खमसा यानी कि नून ग्रुप वाला फेल, आनी ऊना ईना, अब मंसूब हो जाएगा लन लगने के वजह से, तो लन लगने की वजह से क्या होगा असर, अब मंसूब कैसे होगा ये सब फेल, नून हजफ हो जाएगा, नून है यहाँ पर देख रहे हैं क्या, नून ये नून हजफ हो गया है ना, नून क्या हो गया, हजफ हो गया, नून है यहाँ पर कुछ, नून था नून नहीं है, तो नून नहीं है इसका मतलब ये क्या है, ये फेल मरफू नहीं है, ठीक है, मंसूब है, कैसे पता मंसूब है, लन लगा हुआ है इसलिए, ठीक है, तो लन यक्तुबानी था, लन लगने से यक्तुबा, लन यक्तुबुना था लन, लन लगने से क्या हो गया, यक्तुबू, नून नहीं है, तक्तुबानी था लन लगने से क्या हो गया, तक्तुबा, तक्तुबुना था लन लगने से क्या हो गया, लन तक्तुबू, तक्तुबीना था लन लगने से क्या हो गया, लन तक्तुबी, नून हजफ हो गया, नून हजफ हो गया, हजफ, ठीक है, तो यहाँ पे मंसूब की अलामत क्या है, मंसूब की अलामत क्या है, नून का हजफ हो जाना, मंसूब की अलामत क्या है, नून का हजफ हो जाना, ठीक है, तो इसको अरबी में क्या कहते हैं,
हज़्फ़ुन नून, ठीक है, क्या कहते हैं इसको अरबी में, हज़्फ़ुन नून, हज़्फ़ुन नून का हज़्फ़ हो जाना। तो मनसूब की अलामत क्या है, नून का ना होना, यानी कि नून का हज़्फ़ हो जाना, ये मनसूब की अलामत है। और मज़्ज़ूम की अलामत भी वही है, ठीक है, मज़्ज़ूम की अलामत भी क्या वही है, नून का हज़्फ़ हो जाना, नून नहीं है यहाँ पे, हज़्फ़ुन नून। अब मनसूब में भी वही दिखेगा फेल, मज़्ज़ूम में भी यही दिखेगा फेल। यख़रुजू, यख़रुजानी, यख़रुजूना, अगर लन या लम लग जाए तो क्या हो जाएगा, यख़रुजा, यख़रुजू, वाव दिखेगा या अलिफ दिखेगा, यख़रुजा, यख़रुजू, ठीक है, इस तरीके समझेंगे कैसे मनसूब है या मज़्ज़ूम है। लन देख के समझ में आ जाएगा अच्छा मनसूब है, लम देख के समझ में आ जाएगा मज़्ज़ूम है, ठीक है ना। तो नून बाकी रहेगा किस में, मरफू की हालत में, और मनसूब और मज़्ज़ूम होने की सूरत में नून क्या हो जाएगा, हज़्फ़ हो जाएगा, नून हज़्फ़ हो जाएगा, मरफू और मनसूब और मज़्ज़ूम में नून क्या हो जाएगा, हज़्फ़ हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा ना जी, क्लियर है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसके बाद क्या है, फेल नाकिस, फेल, फेल नाकिस, फेल नाकिस को एक अलग कैटेगरी दिया गया है, ठीक है, फेल नाकिस को एक अलग कैटेगरी दिया है, क्यों ऐसा दिया गया, कुछ रीजन है, ठीक है। फेल नाकिस से जो मज़्ज़ूम, फेल नाकिस से मज़्ज़ूम होने की सूरत में, ठीक है, क्या है, तीसरा हर्फ असली, ठीक है, जो के हर्फे इल्लत है, ठीक है, हर्फे इल्लत है, ठीक है, वो गिर जाता है, यानी हज़्फ़ हो जाता है, हट जाता है। अभी जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने से पहले, पढ़ने से बेहतर है कि पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। तो ये फेल नाकिस, अच्छा अब्दुल्ला भाई बताइए फेल नाकिस को डिफाइन कैसे करते हैं, फेल नाकिस क्या होता है, फेल नाकिस क्या होता है, हाउ टू डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे फेल नाकिस क्या होता है। ऐसा फेल जिसमें कोई कमजोरी हो। हाँ कैसा कमजोरी, क्या नुक्स होता है, अरबी में कमजोरी किसको कहते हैं, ग्रामर के ऊपर अलिफ वाव या हो, अगर उससे हाँ, कोई हो, अलिफ वाव, बहुत अच्छा, अलिफ वाव और या अगर हो फेल, फेल में, फेल के कहीं भी हिस्से में, कोई भी हिस्से में अलिफ वाव और या हो, कोई भी हिस्से में हो, या खुसूसन कोई एक जगह में हो, अलिफ, समझा नहीं, अलिफ कहाँ होगा, अलिफ वाव या जो फेल नाकिस कहलाएगा, किस पोजीशन में, लाम कलिमा में, थर्ड लेटर, लाम कलिमा अगर क्या हो, अलिफ हो या वाव हो या हो, तो फेल को क्या कहला, फेल को क्या कहते हैं, फेल नाकिस, फेल नाकिस। अच्छा और भी कोई डेफिनेशन है क्या फेल नाकिस का अरबी में, इससे हट कर भी कुछ डेफिनेशन है फेल नाकिस? जी जो फेल बाय मीनिंग नाकिस हो। हाँ बहुत अच्छा, मानवी एतबार से नाकिस, जैसे कि क्या मिसाल है मानवी नाकिस का, मीनिंग के एतबार से नाकिस, कौन सा फेल है मीनिंग के एतबार से नाकिस, काना, काना, काना और उसकी बहन है, काना, लैसा, ठीक है, ये सब फेल नाकिस है मानवी एतबार से। काना तो दिखने में कमजोरी इसका बीच में, यानी अजवाब फेल है ये, लेकिन ये हर्फ के एतबार से अजवाफ है और माने के एतबार से नाकिस है, माने के एतबार से नाकिस है खाना, ठीक है। अच्छा अलिफ वाव, अलिफ वाव या अगर हो, अलिफ वाव या को क्या कहते हैं, हर्फ इल्लत कहते हैं, अलिफ वाव को या को क्या कहते हैं, हरूफ इल्ला में से, यानी कि हर्फ इल्लत, इल्लत हर्फ इल्ला है, ठीक है। अलिफ वाव या अगर लाम कलिमा थर्ड लेटर में हो, फेल का थर्ड लेटर क्या हो, अलिफ वाव या हो, तो फेल नाकिस कहलाता है हर्फी एतबार से, माने के एतबार से नाकिस को कहते हैं कान और उसकी बहनों, बहने को, ठीक है, बहनों को। तो फेल नाकिस हो, यानी कि जिसकी मिसाल यहाँ पे दी गई है ये यतलू, ठीक है, तो यतलू जो है ये कहाँ से आया है, इसका मादी क्या है, यतलू का पता कर सकते हैं आप, मादी क्या है यतलू का, तला, तला, बहुत अच्छा, ठीक है, तला, तला यतलू, तला यतलू, वैसे और एक फेल है क्या, दुआ करने के लिए क्या फेल अरबी में,
उसने दुआ किया, क्या कहेंगे? तला यतलू, दुआ के लिए क्या, ही कॉल्ड या ही सप्लिकेटेड या उसने दुआ किया। दआ यदउ, बहुत अच्छा, दआ यदउ सेम वही है, दआ यदउ। वैसे ये कि तला यतलू, तला यतलू मतलब क्या होता है? तला यतलू क्या मतलब होता है? तला यतलू का ही पढ़ा। उसने क्या किया? उसने पढ़ा, ही रिसाइटेड, कुरान पढ़ने के लिए लफ्ज आएगा तला यतलू, उसने तिलावत किया, तला यतलू, ठीक है, तला यतलू। तो इसका एक और मीनिंग भी होता है, फॉलो करना, फॉलो करना, ठीक, उससे उससे बना है, रीडिंग इंसान करता तो फॉलो ना कर रहा है एक तरीके से, ठीक। तो तला यतलू, तो यतलू जो है यतलू, इस तरह का फेल आप देख रहे हैं, ये मुदारे है ना, इसमें पहले से ही क्या है, ये मुदारे है, ये तो मुदारे है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें सुकून है। यतलू होना क्या चाहिए था इस फेल में? तला यतलू क्या होना चाहिए था यतलू में, और इसलिए क्या होना चाहिए था यतलू को? तला मुदारे है ये, क्या होना चाहिए था इसको, डिफॉल्ट नेचर क्या होना चाहिए था? तला, जी क्या होना चाहिए था बताइए? यतलवु, हाँ यतलुवु, दम्मा है यतलुवु, बहुत अच्छा यतलुवु, ओरिजिनल क्या होना चाहिए था इसको? यतलुवु, जैसे खराजा यखरुजु कतबा यक्तुबु, तो तलावा यतलुवु। एक्चुअली में ये जो वाव दिख रहा है ना आपको नाकिस में, वाव ये असल में जो अलिफ दिख रहा है मादी में, ये वाव है, ये एक्चुअली में क्या था? वाव, तलावा, अलिफ जो दिख रहा है ना ये ओरिजिनली क्या है? तलावा, ठीक है, तलावा, तलावा पढ़ना इससे ज्यादा इजी क्या है? तला, वाव को अलिफ बना दिया गया, वाव के ऊपर अलिफ, वही वाव के ऊपर फथा है, फथा के पहले क्या है? अलिफ है, तो तलावा मुश्किल हो रहा पढ़ना, तो तला पढ़ो सीधा। तो एक्चुअली में ओरिजिनली क्या था ये? तलावा यतलुहु, तलावा यतलुहु, लेकिन हो गया क्या ये? तला यतलु, तला यतलु, ठीक है। इन सबको आपको नोट करना चाहिए, ठीक है ना, जो भी आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, क्लास तो आज एक ही लोग कर रहे हैं, तो तला तो आप लोग को चाहिए कि नोट बना लें ये, अच्छा ये फेल है, इसका मादी क्या है? तला, हाँ, ओरिजिनली क्या था ये? तलावा यतलु, ये ओरिजिनली क्या था? ये था तलावा और यतलु, इसका ओरिजिनल ये तलावा यतलु, तलावा यतलु, ये नोट करना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यतलु, लेकिन इसका दम्मा नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुश्किल है थोड़ा पढ़ना, डिफिकल्ट है, पढ़ सकता है आदमी लेकिन डिफिकल्ट है, तो अरब वाले ने क्या इजी किया, तला यतलु, यतलु नहीं यतलु, यतलु, ठीक है। अच्छा, इसको मज़ूम जब बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? इसी इसको अगर मज़ूम बनाते हैं हम लोग तो क्या इशू हो रहा है अब्दुल्ला भाई? सुकून तो पहले से ही है, तो हाँ सुकून तो पहले से ही है, बहुत अच्छा, सुकून पहले से, आप सुकून कितना देंगे तो नतीजा क्या होता है? ऐसे ऐसा फेल को क्या करते हैं हम लोग, उसका वाव को ही क्या करेंगे, या जो भी हरफ इल्ला होगा उसको उसको हटा देंगे। ये लिखा हुआ है पे हरफ इल्लत क्या होता है? हरफ इल्लत जो है गिर जाता है, यहाँ हजफ हो जाता है, गिर जाता है नहीं हजफ हो जाता है, हरफ इल्लत हट जाता है यहाँ से, ठीक है, गिर जाता है, ठीक है। तो लम क्या, अब लम ये लम आने से वाव इसका हट गया, क्या पढ़ा जाएगा? लम यतलु, लम यतलु, लम यतलु, ठीक है, लम यतलु, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? सऊती लिहाज से, ये तो हर्फ हर्फ इल्लत क्या हो गया उसका? गिर जाता है, ठीक है, हर्फ इल्लत गिर जाता है। सऊती लिहाज से क्या लिखा हुआ है? तब्दीली होती है के मद के, मद की सूरत में क्या होती है यहाँ पे? अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, देख रहे हैं ना, तो अब यतलु पढ़ रहे थे, यतलु, अब क्या पढ़ेंगे? यतलु, यतलु शॉर्ट पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, यतलु, ठीक है, यतलु, यतलु, लम यतलु, लम यतलु, यत लम यतलु पढ़ देंगे गलत हो जाएगा, लम यतलु पढ़ेंगे, ठीक है।
उसने नहीं पढ़ा, तर्जमा क्या होगा? मा तला, लम यतलू के बदले में कह सकते हैं मादी इस्तेमाल करते करके भी, क्या मा तला, ठीक है मा तला। लम यदु, लम यदु उसने दुआ नहीं की, ठीक है। मा दआ वही लम माने भी किए ना हम लोग, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या फेल है? यबकी, यबकी। तो तला का मुदारे क्या था, मादी क्या था? यतलू का तला यतलू। यबकी का मादी क्या है? यहाँ पे हरफ इल्लत क्या देख रहे हैं आप? या है। यहाँ पे हरफ इल्लत क्या था? वाव था। हरफ इल्ला क्या है? वाव है। तो तला मादी कैसे लिखा जा रहा है इसका देख लीजिए। तला अलिफ, थर्ड लेटर अलिफ है जो है, असल में मुदारे में जाहिर हो जा रहा है कि अलिफ ने ओरिजिनली वाव है। तो यब की का मादी क्या है? यब की बका, बका। बहुत अच्छा, बका, बका यब की, बका यब की, ठीक है। तो बका यब की। तो अब देखिए एक चीज है कि अलिफ तो इधर भी है, अलिफ इधर भी है। बका का भी थर्ड लेटर अलिफ है मादी में, और तला का भी मादी में, मादी में क्या थर्ड लेटर क्या है? अलिफ है। लेकिन मुदारे में क्या बन जा रहा है? ये वाव बन जा रहा है, ठीक है। अब मुदारे में क्या बनेगा, कैसे पहचानेंगे हम लोग? मुदारे में ये वाव बनेगा या मुदारे में या बनेगा, वो पहचानना है। तो कभी ये अक्सर आसानी रहेगा पहचानना आपके लिए। ये अलिफ देख रहे हैं, ये बन जा रहा है वाव मुदारे में, और ये अलिफ क्या बनेगा मुदारे में? ये अलिफ क्या बन जा रहा है? या बन जा रहा है। कैसे पहचानेंगे इसको कि या बनेगा? ये कैसे, क्या आइडेंटिफिकेशन क्या है? मादी को देख करके पहचान लेंगे कि इसका मुदारे क्या होगा, वाव होगा या होगा, ये पहचान सकते हैं ये दो बाब में कम से कम। जी बताइए कैसे पहचानेंगे कि मुदारे में ये या होगा या मुदारे में वाव होगा, क्या देख के पहचानेंगे? मादी में अगर अलिफ होगा तो मुदारे में वाव होगा। हाँ, और यहाँ पे? और इसमें ये या होगा बिना नुक्ते वाला। हाँ, क्या कहते हैं उस या को, क्या कहते हैं? अलिफ, अलिफ मकसूरा। हाँ बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक। अलिफ मकसूरा होगा तो मादी में मुदारे में क्या हो दिखेगा आपको? प्रॉपर नॉर्मल अलिफ, नॉर्मल या बन जाएगा, वो नुक्ता आ जाएगा, नहीं या हो जाएगा। और अगर आप इस तरह का अलिफ दिख रहा है आपको, नॉर्मल अलिफ दिख रहा है, तो फिर ये मुदारे में वाव बन जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेबल है, मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेबल है, लेकिन ये कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो जिसकी मिसाल यहाँ पे दी गई थर्ड बाब में, लेकिन इस तरह के फिल्म में आप पहचान सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर आपके लिए इजी रहेगा बचाना, ठीक है। लेकिन कभी कभी हो सकता है इजी ना रहे, ठीक है। तो बका में कैसा अलिफ है? ये मकसूरा वाला अलिफ, अलिफ मकसूरा। फिर मुदारे में क्या बन गया? यब की, ओरिजिनली क्या था? यब की यू, ये बाब दराबा है, दराबा यद रिबू बका या यब की यू, ये ओरिजिनल था। तो इससे ओरिजिनल आप पहचान सकते हैं, इजी रहेगा। अगर नॉर्मल अलिफ है तो ओरिजिनल क्या है? तलावा दआवा। अगर ये अलिफ मकसूरा वाला अलिफ है तो फिर ये या होगा, और इसका ओरिजिनल क्या होगा मादी में? बकाया, बकाया यब की यू, दौराबा यदरीबू बकाया यब की यू। और मुदारे में क्या हो गया? तो लेकिन ये यहाँ पर दम्मा भारी है तो यब की पढ़ा जाएगा, बका यब की। तो बका यब की में लम लगाने से क्या हो जा रहा है? फिर ये यब की, अब ये या लम आया जैसे ही, या क्या हो जाएगा? हजार। यहाँ पर सुकून पहले से, इस तरह का ये नाकिस वाला फेल में, फेले नाकिस में, जब फेले नाकिस, जब फेल नाकिस मज़ूम होता है तो क्या होता है? उसका जो हरफ इल्लत होता है, जो लास्ट में हरफ इल्ला आ रहा है उसको ही हटा देते, गिर जाता वो हरफ इल्ला, खुद ही मज़ूम हो जाता है। इसलिए यबकी पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ये तो ये दो बाब इजी है, यतलू दा यदू तला यतलू, ठीक है। और बका यबकी हदा यहदी मशा यमशी। आवाज आ रही है ना? वॉइस क्लियर है? जी आवाज आ रही है। बका यबकी, लम यबकी, ठीक है। यहाँ तो इजी है पहचानना, कभी कभी फेल मुदारे थोड़ा मुश्किल हो सकता है मादी इसका निकालना या मादी से मुदारे बनाना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ क्या यंसा। अच्छा इसमें तो इजी है बनाना, तो इसका मादी इजी है यंसा, यंसा का मादी इजी है। क्या है मादी इसका? यंसा, इसको बता देते हैं हम, क्या पढ़ेंगे इसको मादी को? यंसा, ये एक्चुअली में क्या है? नसिया,
नसिया, ठीक है। नसिया तो इजी है, समिया याद है ना, समिया बाप समिया जो होता है वो क्या होता है, हमेशा जो मुदामादी में जो कसरा है वो अक्सर 99.999% जो है वो मुदारे में फदा बन जाता है, तो इजी आप पता कर सकिए। अनसा ऐन कलिमा कसरा है मादी में तो मुदारे में क्या बन जाता है, फता हो जाता है, यंसा। ये तो इजी है, यंसा, ठीक है। नसिया यन सा, नसिया यन सा, लेकिन ये ओरिजिनली क्या होना चाहिए था इसको, नसिया यन, तो क्या पढ़ना चाहिए था ओरिजिनली, नसिया यन सा, क्या पढ़ना चाहिए था इसको हम लोगों को, यन सया नहीं, डिफॉल्ट क्या है, मंसूब क्यों पढ़ना है डिफॉल्ट, इसको डिफॉल्ट क्या होगा, कोई भी फिल्म उदारे का फितरत, फितरत क्या, यंसयू, हाँ यंसयू मरफून होता है फितरतन, डिफॉल्ट नेचर यंसयू होना चाहिए, लेकिन या पर दम्मा लेना बोझ है तो अरब वाले इसको या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको या पर दम्मा नहीं पढ़ते, सुकून करके पढ़ते हैं, तो अलिफ मकसूरा पढ़ा जा रहा है। लेकिन ये जो ये चीज आपको बताता है, याद रखिए, ये जो ये बता रहा है क्या कि मादी में ये, इसका थर्ड लेटर ये या है, इसका थर्ड लेटर क्या है या, इससे एक इंडिकेशन निशानी पता चल जाता है, इसका थर्ड लेटर क्या है या है, ठीक है। ये अलिफ मकसूरा देख के समझ में आता, अच्छा इसका तो या से कुछ ना कुछ ताल्लुक है, कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता, कुछ एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मली ऐसा समझ में आ जाता है, नसिया यन सा, नसिया यन सा, ठीक है। एक और बाब है यहाँ पे बताया नहीं गया, चलिए भी आसानी रखते हैं आज की कसम, नसिया यंसा, ठीक है। एक मिनट, अच्छा तो इस तरह का ये फेल में क्या हो गया, यंसयू में ये जब ऐसा फेल होगा यंसा, तो लम लगने से क्या हो जाएगा, फिर देख रहा है आपको यंसयू, यू था ना, इसको तो सुकून पढ़ रहे, ये तो अलिफ, अलिफ पे तो सुकून ही होता है, लिखते नहीं लिखा होता तो सुकून है ना, तो सुकून पहले से लम आने से क्या होता है, वो खुद ही हट जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा, लम यंसा, अलिफ नहीं पढ़ा होगा, फिर पता रहेगा लम यंसा नहीं, लम यंसा, लम यंसा मतलब क्या हो जाएगा, मानसिया, वो नहीं भूला, He didn't forget. कोई मीनिंग, मास लम और मा को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, एक मादी एक मुदार है, ठीक है, ये समझ में आया, तो ये ऐसा, ठीक है। अब एक आखिरी टॉपिक इसका बचा है क्या आपका, ये जो है एराबे तकदीरी, ठीक है, एराबे तकदीरी, तकदीर एराब फेल में भी होता है, तकदीरी एराब क्या फेल में भी होता है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एराबे तकदीरी फेल में, ऐसे में होता है, इसमें भी होता है, फेले नाकिस में, पहले नाकिस, फिल नाकिस सभी हम लोग कर रहे हैं ना, में मुंदरजा जेल अलामत मुकद्दर पोशीदा होती हैं, पोशीदा होती है, ठीक है। अभी कौन सा मिसाल किया हम लोग, ये तला यतलू ना, तो यही मिसाल यहाँ पे दी गई है, फिल नाकिस में अगर ले ले तला यतलू या दआ यदू ले लेते, चलिए दआ यदू, दआ यदू, उसने दुआ किया, दआ यदू जो है अगर इसको लिखा जाए दआ यदउ, मरफू की अलामत क्या है, हम कहेंगे मरफू की अलामत पोशीदा है, इसमें है क्या वो पोशीदा अलामत, दम्मा, दम्मा हिडन है, ये हिडन दम्मा, ये अलामत है एक्चुअली में, तो फेल नाकिस में वही बताया गया, फेल नाकिस में जो है मरफू होने की अलामत क्या, दम्मा, मरफू होने की अलामत दम्मा, ठीक है, इसमें है उन तमाम अफाल में
जिनके आखिर में क्या है अलिफ या वाव, माने कि फेल नाकिस जैसा भी हो। फेल नाकिस किसको कहते हैं, जिसके एंड में क्या हो अलिफ हो वाव हो या हो, उसको कहते हैं फेल नाकिस ना। फेल नाकिस में हमेशा मरफू की अलामत क्या होती है, पोशीदा होती है। फेल नाकिस में मरफू की अलामत हमेशा हिडन रहता है, यानी कि दम्मार नहीं हिडन दम्मार है। दम्मा को हिडन मान के चलते हैं, होता कि दिखता क्या सुकून दिखता है, यदऊ ये तो वाव है, ये तो वाव है। अभी हम लोग के एक और फिल्म हदा यहदी, जैसे बका यबकी, हदा यहदी उसने हिदायत दिया, उसने वो हिदायत देता है, वो गाइड करता है। हदा यहदी, यहदी में भी मरफू की अलामत क्या है, यहाँ पर एक पोशीदा दम्मा है, लेकिन दिखता क्या है सुकून, लेकिन एक्चुअल अलामत क्या है हिडन दम्मा, मुकदमा मुकद्दरा। यदऊ यहदी, ठीक है। और नसिया यंसा भी दिखा हम लोग को, तो यंसा एंड किस पर हो रहा है, यंसा एंड हो रहा है अलिफ पर, या है ना, अलिफ मकसूरा है ना, तो अलिफ अलिफ ही ना है, सुकून लिखते ही सुकून, लेकिन होता तो सुकून ही है, ठीक है। तो तीनों हालत में, चाहे वो फेल नाकिस के एंड में अलिफ हो या वाव हो, इन तीनों तमाम इन हालत में दम्मा के मरफू की अलामत क्या होती है, दम्मा, हिडन दम्मा माना जाता है। मरफू की अलामत क्या है, पोशीदा दम्मा, ठीक है। वही यहाँ पे दिया गया, अमशी ले लीजिए, अमशी असल में क्या, मशा यमशी, यमशी यू अमशी यू, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग। अमशी मशा यमशी माने चलना, अतलू मैं तिलावत कर रहा हूँ, जो भी है तो अतलू है, ठीक है। अंसा मैं भूल रहा हूँ, अंसा आई एम फॉरगेटिंग मैं भूल रहा हूँ। तो इनकी असल सूरत क्या है बताया जाए, इनकी असली शक्ल क्या है, अमशियु अतलुहु अंसयु, वही ना बताया अभी, यद उ यहदियु अंसयु, ये अना का गर्दान लिया हुआ है, समझ में आ रहा अब्दुल्ला भाई, ठीक है ना जी। ये सब तो कर चुके हैं अलहमदुल्ला, अच्छा रिविजन हो जा रहा है, तो इंसान भूल जाता है बीच बीच में, ठीक है। तो बहुत कुछ आ गया एक चैप्टर एक दिन में, ठीक है, लेकिन एक किया हुआ है अलहमदुल्ला, तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बताया गया यहाँ पे मरफू क्या, तो यानी कि फेल नाकिस में मरफू की अलामत हमेशा पोशीदा होती है। फेल नाकिस में मरफू की अलामत इज ऑलवेज हिडन, ऑलवेज लेटेंट, यानी ऑलवेज तकदीर एराब लेता है कौन, फेल नाकिस, जैसा भी फेल नाकिस हो, चाहे वाव पेंड हो, अलिफ पेंड हो या पेंड हो, वो हमेशा उसका मरफू की अलामत कभी भी इसमें जाहिर नहीं होती, ठीक है। क्या दिखेगा वो हमें, हिडन दिखता है, वो हिडन दिखेगा फेल नाकिस में, फेल नाकिस में, ठीक है। अच्छा, और क्या बताया जा रहा है, नसब की अलामत फतहा, नसब की अलामत जो है, और लेकिन ये जो हम लोग एग्जाम्पल किए ना, ये देख लीजिए, ये जो एग्जाम्पल किए अमश, ये तीन एग्जाम्पल लेते हैं, अमशियु, अगर ये मंसूब होता अमशी मंसूब में, लेकिन आपको दिख जाएगा क्लियर फतहा बन जाएगा, ये मरफू में तो अलामत हिडन है, लेकिन मंसूब में अलामत क्या होगा, अमशिया हो जाएगा, लन लगने से क्या हो जाएगा, अमशिया हो जाएगा, और लम लगा देंगे ये मंसूब में, इसको भी लन लगा दे मंसूब करना इसको भी, तो क्या हो जाएगा, मज़ूम तो कर लियो पर वो तो हज़ा हरफ इल्ला हट जाता, लन लगा तो ये क्या हो जाएगा, यतलू से यतलुबा हो जाएगा, यानी कि मंसूब में जो है, मंसूब की अलामत क्या है अब्दुल्ला भाई, जाहिर या पोशीदा, मंसूब की अलामत क्या है, जाहिर या पोशीदा, नाकिस में जाहिर है, जाहिर है, बहुत अच्छा। मरफू की अलामत लेकिन क्या है, पोशीदा है ऑलवेज हमेशा, ठीक है। लेकिन मंसूब में भी एक एक्सेप्शन है, मंसूब में भी एक एक्सेप्शन है, क्या वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि अंस, ये एक्सेप्शन क्या, अंसा, हाँ, जो फेल एंड होगा किस पर, अलिफ पर, ठीक है, जो फेल किस पर एंड हो रहा है, अलिफ पर, तो उसमें हरकत आ सकता है, उसमें कैसे आएगा, क्या अलिफ, तो अलिफ पर कोई हरकत हो सकता है क्या, अलिफ को हरकत कारी नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या आपको ये, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता अलिफ पर हरकत नहीं, तो उस केस में जाहिर फतहा पोशीदा रहेगा, ये बताया जा रहा है। तो नसब की अलामत फतहा उन अफाल में जो अलिफ पर ख़त्म होती है, यानी बताया जाए तकदीर एराब किस में होता है, तो मरफू में तकदीर एराब होता है, मरफू हर किस्म का फेल नाकिस मरफू होता है, ठीक है।
हर किस्म के फेल नाकिस में मरफू की अलामत, हर किस्म के फेल नाकिस चाहे एंडो अलिफ पे वाव पे या पे वो पोशीदा होता है अलामत मरफू, ठीक है। लेकिन नसब में जाहिर होता है, लेकिन वो नसब में भी पोशीदा हो सकता है। कब, कौन सा फेल नाकिस में पोशीदा होगा? जो फेल नाकिस अलिफ पर क्या हो, खत्म हो। जो फेल नाकिस किस पर खत्म हो, अलिफ पर खत्म हो, उसमें पोशीदा होता है। उसमें क्या होता है, पोशीदा हिडन होता है। ये अलिफ पर खत्म हो रहा है तो इसमें क्या अलिफ ऐसा पता जाहिर नहीं होगा, अलिफ पर कैसे जाहिर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो अफाल या वाव पर खत्म होते हैं उनमें फता जाहिर होगा। जैसा मिसाल दे दिया आपको, यतलुआ में वाव पेंडोरा फता जाहिर होगा, यतलुआ हो गया। अमशिया या पेंडोरा तो फता जाहिर होगा, अमशिया हो जा रहा, ठीक है, फता जाहिर हो जाएगा। जो या पेंड होगा, वाव पेंड होगा, फता जाहिर होगा, मनसूख की अलामत जाहिर हो जाएगी। लेकिन अगर अलिफ पेंड होगा तो मनसूख की अलामत भी पोशीदा होगी मरफू की तरह। ये बता जाए अमशिया तो उरीदू मतलब होता है आई वॉन्ट, अरादा यूरीदू, उरीदू मैं चाहता हूँ। अन क्या करता है, फेल मुदारे को मनसूख कर देता है। आई वॉन्ट टू मजदर मुअव्वल, याद है ना, किए हैं मजदर मुअव्वल, ठीक है। मैं चाहता हूँ के, या फिर मैं चाहता हूँ जाना, खाना, पीना, ये वाला ना 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 वाला मीनिंग अन आता, अन अन और फेल मुदारे देता है। उरीदू अन अमशिया, अमशी है, अमशी दम्मा पोशीदा है, अमशी मरफू की अलामत पोशीदा, लेकिन अन लगने से अमशी मनसूब हो गया, मनसूब की अलामत का पता जाहिर। उरीदू अन अमशिया, मैं चलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉक, आई वॉन्ट टू वॉक, इसमें जाहिर हो गया क्योंकि एंड हो रहा अमशिया किस पर, या पर एंड हो रहा है, ठीक है, या पर एंड हो रहा है, ठीक है ना। और अतलुवा क्या चीज है, उरीदु अन अतलु, अतलुवा वाव, जैसे अमशिया एंड किस पे हो रहा था, अलिफ पे, तो वाव जाहिर हो गया, फता जाहिर हो गया। ये वाव पे एंड हो रहा तो क्या होगा, अलिफ, फता जाहिर हो जाएगा इसमें भी। ये ना बताया मनसूब में अगर वो अलिफ पे एंड होगा, अगर वो वाव पे एंड होगा वो फेल, तो उस पर फता आ सकता है, या पेंड होगा तो उस पर फता आ सकता है। लेकिन अगर अलिफ पेंड हो रहा है, अलिफ मकसूरा पेंड हो रहा है, तो फता उस पर कैसे आएगा, उस पर तो कोई हरकत आ ही नहीं सकता, वो तो सुकून ही रहेगा। इस केस में मंसूब में अलामत पोशीदा होगा, लेकिन इन दोनों केस में मंसूब की अलामत क्या होगी, जाहिर, फता जाहिरा, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, तलायतलू, तलायतलू, इसकी मिसाल क्या है, हदा यहदी, इसमें जाहिर है ना, समझ में आ रहा है ना अब्दुल्ला भाई, ठीक है। तो उरीदु अन अतलू, अतलू था अतलू, उरीदु अन, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ू, या फिर तर्जुमा होगा उरीदु अन अतलुआ, मैं चाहता हूँ पढ़ना, मैं चाहता हूँ तिलावत करना, ठीक है। उरीदु अन अतलुआ हो गया, ठीक है। अब आखिरी चीज क्या है, और किसमें जो है अलामत पोशीदा होती है, ठीक है, वो क्या है, वो फेल मुदाफ में, फेल मुदाफ, मुदाफ किसको कहते हैं, वो फेल जिसका आइन कलिमा और लाम कलिमा क्या हो, डबल हो, यानी कि सेम हो, रिपीट हो। जैसे हज्जा, आइन कलिमा लाम कलिमा रिपीट हो, तो हज्जा, हज्जा या हुज्जू, हजाजा है, हजाजा, हज्जा, ठीक है, या हुज्जू, हज्जा या हुज्जू, ठीक है, हज्जा या हुज्जू, ओरिजिनल क्या, हजाजा यहजुजू, हजाजा यहजुजू, ठीक है, जो आसानी के लिए यहजू हो गया, वे नसरा है, ठीक है। तो यहजू, ठीक है, यहजू कौन सा फेल है, यहजू, यहजू मने उसने, वो हज करता, हज करना, हज यहजू मने हज करना। और मिसाल क्या इसकी, अद्दा यउद्दू, अद्दा यउद्दू मतलब क्या होता है अब्दुल्ला भाई, अद्दा यउद्दू, अद्दा यउद्दू, अद्दा मतलब, अद्दा का ताल्लुक आदत से, आदत किसको कहते हैं अरबी में, आदत, नंबर, नंबर, तो अद्दा माने क्या हो जाएगा, ही, उसने क्या किया, ही काउंटेड, काउंटेड, बहुत अच्छा, अद्दा यउद्दू में काउंट करना, अद्दा यउद्दू, हज्जा यहुज्जू, ठीक है। इस तरह का जो फेल होता है, या फिर एक और फेल क्या है, ये बाब दरबा ले लीजिए, फर्रा, बाब दरबा में क्या क्या पढ़ा जाएगा, ये फर्रा दरबा यद्रिबु, तो फर्रा क्या होगा, यफुर्रु, यफिर्रु, बाब दरबा, क्या मीनिंग होगा, फरार, फर्रा यफिर्रु मतलब क्या हो जाएगा, फरार हो जाना, ही टू रन, ठीक है, फर्रा यफिर्रु दौड़ना, ये फरार हो जाना, ठीक है, भागना, फर्रा,
फिर इल्ला अल्लाह की तरफ भागो, फर्रा या फिर भाग दौड़ना, फरार हो जाना, फर्रा या फिर। इस तरह का फिल्म अद्दा या उद्दू फर्रा या फिर, इस तरह का फिल्म में क्या होता है, मरफू की अलामत क्या है, जाहिर है या उद्दू या फिर या हज्जू, मनसूब की अलामत भी क्लियर है, लन लग जाएगा क्या हो जाएगा, लन यउद्दा, लन यहुज्जा, लन या फिर्रा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मरफू की अलामत, मनसूब की अलामत इसमें जाहिर है, पोशीदा नहीं है, लेकिन लेकिन मजरूर की अलामत क्या प्रॉब्लम होगा, मजरूर के मजूम मजरूर नहीं, मजफेर तो मजरूर नहीं होता, मजूम की अलामत क्या है इसमें, मजूम की अलामत में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगा मजूम में, क्योंकि यहुज्जु अगर एक एग्जांपल, हाँ क्या प्रॉब्लम होगा बताइए, डबल है तो सुकून देने में प्रॉब्लम होगा, हाँ क्योंकि पहले से सुकून है ना, ये तजदीद शद्दा क्या बता रहा है, शद्दा बता रहा है सुकून है, अब इसको सुकून अगर कर देंगे तो दो सुकून हो जा रहा है फिर तो, ठीक है। तो लम यहुज्जु अगर ये वर्ड है यहाँ पे, जैसे आप कहना है कि मैंने, मैं हज कर रहा हूँ, मैं हज करता हूँ, मैं हज करूंगा, तो वर्ड क्या था, अहुज्जु, वर्ड क्या है, अहुज्जु, अहुज्जु माने आई एम, मैं हज कर रहा हूँ या मैं हज करूंगा, अहुज्जु। लेकिन कहना है कि मैंने हज नहीं किया, मैंने हज नहीं किया, लम अहुज, तो आप क्या करेंगे इसको, तो अहुज्जु जो है इसको अगर खोले अहुज्जु को तो क्या है एक्चुअली में ये अहुज अगर खोल दिया जाए, ठीक है, अहुज्जु ये है ना, इसी को खोल रहे हैं कि जो लफ्ज है अहुज्जु, अहुज्जु तो यही ठीक है ना, अहुज्जु को खोल रहे हैं ये है, तो लम लगने से क्या हो जाएगा, फिर लम लगा तो अहुज्जु क्या हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, अब दो सुकून हो गए, दोनों जिम पर सुकून हो गया, कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ नहीं सकते, तो क्या करते हैं मनसूब, उसको फतह फतह कर देते हैं, पढ़ने के लिए क्या हो जाते हैं, फतह हो जाता है, तो अहुज्जा क्या हो जाएगा, ये अहुज्जा, तो मजूम में भी क्या दिखेगा, ये अहुज्जा या यहुद्दा या फिर्रा ऐसा दिखेगा, ठीक है, मजूम में भी क्या दिखेगा, ये फतह दिखेगा, मजूम में भी फतह ये दिखेगा, लम या अहुज्जा हो जा रहा है, ये देख रहे हैं, तो इसमें अलामत हम क्या कहेंगे, पोशीदा है, इसमें अलामत हम क्या कहेंगे, पोशीदा है, ठीक है, तो क्या है, जज़्म की अलामत सुकून, ठीक है, मुदाफ अफ़आल में महजूफ होती है, ठीक है, माने जज़्म की जो अलामत क्या होती है, सुकून होती है ना, लेकिन मुदाफ अफ़आल में ये अलामत क्या होती है, महजूफ होती है, सुकून कहेंगे अलामत तो भाई सुकून है, लेकिन फतह कर दिया गया है उसको, फतह कर दिया गया, क्यों क्यों फतह कर दिया गया, इल्तिका उस साकिनैन, क्या कहते हैं इसका मतलब अब्दुल्ला भाई, इल्तिका उस साकिनैन का मतलब क्या होता है, इल्तिका उस साकिनैन, और सुकून का मिलना, हाँ ये कितना सुकून है, साकिनैन में कितना सुकून है, साकिनैन ही दो दो, ये कैसा सीखा अरबी का ग्रामर के हिसाब से, इल्तिका उस साकिनैन, क्या स्ट्रक्चर अरबी का, ये मुदाफ मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले, साकिनैनी मजरूर है, साकिनानी साकिनैनी मुदाफिले, मुदाफ बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक, इल्तिका उस साकिनैनी की वजह से क्या हो जा रहा है, ये इसमें पोश, इसमें महजूफ हो जाता है, ठीक है ना, ये वही बताया गया यहाँ पे, यहाँ पर लम दाखिल होने की वजह से, ठीक है, दम्मा हजफ हो गया, दम्मा हजफ हो गया, ठीक है, तो लम अहुज जो था वो बाकी रहा, लम अहुज यानी कि दो सुकून, शद्दा में भी सुकून है, वो सुकून तो सुकून जमा हो गया, तो इल्तिका उस साकिनैन से, इल्तिकाओ साकिनैन से बचने के लिए, इल्तिकाओ दो सुकूनों की मुलाकात से बचने के लिए एक फतह बढ़ा दिया गया, एक फतह बढ़ा दिया गया, तो अहुज्जा हो गया, ठीक है ना, तो ये चीज कर चुके हैं दूसरे जिल्द में, कितना नंबर 29 चैप्टर में, 29वां चैप्टर में ये चीज को पढ़ा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, बुक 3 का रिविजन अलहमदुल्ला हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का ये हो गया, इसको अगर आप समझ गए ना तो समझ लीजिए इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, बुक टू का, बुक वन का पहला चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अगर आप समझ गए अलहमदुल्ला तो आप में एकदम बहुत बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एराब, एराबी असल है, अरबी जुबान की असल क्या है, एराब है, ग्रामर का असल एराब है, ठीक है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम लोग को अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह मेरे गुनाह को मगफरत करे, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा,
ये कलीद है, नोट्स उर्दू से हम लोग पढ़ा है, इसका उर्दू से पढ़े, इसका इंग्लिश भी होता है, इसी चीज का देखिए इंग्लिश में भी है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वही चीज जो हम लोग की उर्दू में वही इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आज जा करके अब्दुल्ला भाई आप पढ़ लीजिएगा नोट्स इंग्लिश में, ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथन हो जाए, मजबूत मजबूत हो जाएगा। और जो जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कल ही दिया ये की फैक्ट्स को जरूर पढ़ें आप लोग बहुत, और इसको एक एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें, ये जो बताया जा रहा है सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, ठीक है। अब तो रमज़ान शुरू होगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते से, लेकिन क्लासेस हमारा जारी रहेगा, शॉर्ट क्लास होगा जैसे भी होगा, लेकिन होगा जरूर, कुछ ना कुछ हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह, कुरान से एग्जांपल लिया कुछ नया करेंगे या कुरान से भी कुरान क्लासिक हम लोग करते रहेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह बताया जाएगा, ठीक है। तो कोई सवाल होगा तो आप लोग कर लीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। सुभानकल्लाहु वबिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।